आत्म कल्याण के लिए देवताओं के ज्ञान की क्या जरूरत है? आत्मा का कल्याण तो संयम और तप से होगा, देवताओं की जानकारी से तो नहीं। लेकिन भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी, जैसे देवतावाद आज दुनिया में फैला है, उस समय भी बहुत देवता अपनी मान्यता मनवाते थे और दुनिया की सहायता भी करते थे। ऐसा नहीं है सदा ही करते थे, ऐसा भी नहीं है कभी नहीं करते थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी, वो सब कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप में सब कुछ नहीं है। यदि सब कुछ होता फिर तो कुछ भी कर सकता था। व्यक्ति की प्रधानता अपने स्थान पर है और कर्म की प्रधानता अपने स्थान पर, मौसम की प्रधानता अपने स्थान पर, गर्मी का अपना, सर्दी का अपना, चाहे को कितना भी बड़ा क्यों ना जाओ, गर्मियां आएंगी तो पसीने आते हैं ना, कहते रोक दे इसको, रुकता है वाला। आप कहेंगे पंखा चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, एसी चला लेंगे, उससे रुक जाएगा, कहते रुकेगा नहीं, उससे सूख जाता है। उससे क्या होता है, अंदर गर्मी है, पानी निकल रहा है, लेकिन उस हवा से क्या हो जाता है, वो सूख जाता है। और सर्दियां आ जाती हैं, कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो तो सर्दी प्रभावित करती है ना। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना प्रभाव होता है। किसी के मारने से उसने कोई बड़ा नहीं बन जाना और किसी के मारने से उसकी सत्ता का अभाव नहीं हो जाना। जो सब है, तो भगवान से भी पूछा, भगवान आपकी मान्यता क्या है, देवताओं के संबंध में आपकी क्या राय है? तो भगवान ने कहा, जैसे नारकियों का संसार है, जैसे त्रियंचों का संसार है, जैसे मनुष्यों का संसार है, ऐसे देवी देवताओं का भी संसार है। फिर कहते हैं, हमें दिखते क्यों नहीं है, हमें दिखाई क्यों नहीं देते? कहा, आपको दिखाई नहीं देते तो इसका मतलब ये थोड़ा वो है नहीं, आपको दिखाई नहीं देते तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि है नहीं। दुनिया में इतना कुछ है जो आपको दिखाई नहीं देता, तो क्या उसको ऐसा माने वो है नहीं? कहा, सब है, उनको देखना है तो अपने अंदर वो दृष्टि पैदा करो, अपने अंदर क्षमता पैदा करो। जैसे हवा का रंग रूप आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो चलती है तो आपको उसके स्पर्श से आप महसूस करते हैं, शाखाएं हिलती हैं, कपड़े लटकाए वो हिलते हैं तो पता चलता है। जब आंधी चलती है, मिट्टी का तत्व उड़ता दिखता है, वस्तुएं उड़ती दिखती है, लेकिन आंधी जो हवा के रूप में वो भी दिखती है, आंखों से दिखाई नहीं देती। जयी प्रश्न राजा परदेशी ने आचार्य श्री केशी श्याम जी महाराज, शुद्ध केवली भगवान थे, जो चार ज्ञान के धारक थे, उनसे पूछा था, भगवान आप इतने प्रज्ञान संपन्न है तो मेरे को हाथ में लेके आत्मा दिखा दो। कहा, उसी समय हवा चली, कहते जे शाखाएं क्यों हिल रही है, कहते हवा चल रही, कहते हवा को आप दिखा सकते हैं, कहते नहीं, कहते इसके अंदर वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, जब इसको तुम दिखा नहीं दे दिखा सकते तो आत्मा के अंदर ना वर्ण है, ना गंध है, ना रस है, ना स्पर्श है, उसको आप कैसे देखोगे? तो देवताओं के संबंध में, देवताओं का बड़ा लंबा चौड़ा संसार है, दुनिया के बहुत हिस्से को देवी देवताओं ने घेरा हुआ। कहा, जे चार प्रकार के, वैसे तो 198 वेद आते हैं ना, मूलतः चार प्रकार के, इनकी चार जातियां मुख्य हैं, भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनपति
जे भवनों में रहने वाले ज्यादा करके बाण भी अंतर वनों में, वनों के अंदर इनके नगर होते हैं, कहते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं। कहते हैं उनके घर होते तो हमारे घरों जैसे हैं, घर आकार प्रकार सारा ऐसा होता है, हवादार होते हैं, लेकिन वो औदारिक पुद्गलों के नहीं होते। औदारिक पुद्गलों के नहीं, वो कौन से? वो वैक्रिय पुद्गल है, और वैक्रिय पुद्गल वो हमारी नजरों का विषय, हमारी नजरों का विषय नहीं है। तो आप कैसे देखोगे? कितनी बार सुनने में आ जाता है किसी ऐसी अदृश्य चीज ने किसी को पकड़ लिया, जब पकड़ लिया और उसको बुलाते हैं, अरे तू इसके पीछे क्यों पड़ा है? कहते हैं इसने मेरे स्थान पर मल विसर्जन किया, इसने मेरे स्थान पर जुर्म पास किया, इसलिए मैं इसको कैसे छोड़ूंगा? कहते तुम्हारे घर के आगे कोई ऐसे मल विसर्जन कर जाए तो तुम छोड़ोगे उसको? कहते नहीं। कहते ऐसे, कहते भाई इसको दिखाई दिया, कहते इसको दिखाई दे चाहे ना दे, तो हम थे तो सही ना, मतलब स्थान तो है लेकिन इन चरण चक्षों से दिखाई नहीं देता। उसने जानबूझकर थोड़ा किया लेकिन दिखाई नहीं दिया। इसलिए शास्त्रों में गुरुजन कहते हैं कहीं पर भी आपने ऐसी आवश्यक क्रिया करनी है तो पहले उस स्थान के मालिक की आज्ञा ले लो, उस स्थान के मालिक की आज्ञा ले लो। क्योंकि कहा जाता है इस पृथ्वी पर जैसे मनुष्यों का अधिकार है, मनुष्यों से पहले देवताओं का अधिकार है। पहला अधिकार किन का है? देवताओं का अधिकार। देवताओं के अधिकार के बाद फिर आपका आता है। कहेंगे जी क्या मामला है? देखो आपका घर है ना, पहले अधिकार किसका है? आपका है। लेकिन वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं, वो आपकी अनुमति लेते हैं, बना लेते हैं ना। चिड़ियों ने अपना स्थान बना लिया, कीड़ियों ने अपना स्थान बना लिया। मानो वहां पर जहां एक कबूतर का स्थान है वहां पर दूसरा आके कबूतर आना चाहे तो, वहां पर रहना चाहे तो कैसे उनका घमासान होता है? होता है ना। आप कहेंगे जे स्थान मेरा है, और वह कबूतर क्या कह रहे हैं? जे स्थान मेरा है, मतलब जैसे पहला अधिकार आपका है और दूसरा अधिकार उसने कहां बनाया है? जो स्थान आपके काम नहीं आता, जहां पर आपका हाथ पैर पहुंचते नहीं, वहां पर ऐसे बनेरों के ऊपर उसने क्या किया, ऊपर से छत्ता हुआ, ऐसे स्थान पर उन्होंने अपना स्थान बना लिया है। और वहां पर यदि कोई बलवान आके उसको निकाल देता है तो वार कैसे टुकड़ टुकड़ देखता है, जे कर तो मेरा है। ऐसे इस स्थान के संबंध में पहला अधिकार देवताओं का, फिर उसके बाद आपका है, फिर उसके बाद त्रियंचों का आता है, फिर त्रियंचों के बाद यहाँ कबूतर है, वहां कीड़े कीड़े मकोड़े भी तो होते हैं ना, वो भी तो अपना स्थान बना रहे। ऐसे कितने और अदृश्य जीव है जो यहाँ पर इस दुनिया के अंदर ही एक संसार में दूसरा संसार, दूसरे में तीसरा संसार, चौथा संसार, ये तो हमारी आंखों का देखा हुआ है लेकिन जो हमारी आंखों से दिखता नहीं वो कितना होगा? ये तो केवलियों का विषय है ना। अब केवली भगवान कहते हैं चार प्रकार के देवता है, भवनों में रहने वाले भवनपति, वनों में बाण व्यंतर, वनों में उनके नगर है, उनके घर है, वहां रहने वाले बाण व्यंतर, और ज्योतिष जो जो चंद्रमा सूर्य ग्रह नक्षत्र तारे हैं इनके ऊपर और इनके स्थान जो है वो वहां पर रहने वाले जो रहने वाले हैं वो कौन है? वो ज्योतिषी है। और उससे ऊपर चले जाओ तो वहां पर विमानों में रहने वाले वैमानिक देवता है। अब कहा जाता है इनमें दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुलिंग, और सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? देवता भी है, देवियां भी हैं। कहा जाता है देवियों की संख्या ज्यादा है और देवताओं की संख्या कम है। कहीं पर देवियों की हुकूमत है, कहीं पर देवताओं की हुकूमत होती है। जहां जिसका बल चलता है अपनी हुकूमत चलाते हैं और कमजोर उनके हाथ जोड़ के उनकी हुकूमत मानते हैं। मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो धक्का दे के बाहर निकाल दे, चलते रहे काम जहां पर नहीं है। तो चार जातियां देव जाति,
भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और विमानी, इनके मालिक प्रजा भी है तो मालिक भी है। 64 इंद्रों का नाम आपने सुना होगा, भवनपतियों के 20 इंद्र महाराज, वाणव्यंतरों के 32 इंद्र महाराज, ज्योतिषियों के है तो असंख्याता, लेकिन दो गिने जाते हैं, चंद्र और सूर्य के जो अधिष्ठायक बड़े देवता। ऐसे चंद्र सूर्य का परिवार, ऐसे असंख्यात चंद्रमा, असंख्यात सूर्य हैं इस दृश्य लोक, सबका अपनी अपनी रियासतें हैं और उनके ऊपर क्या है, अपना अपना राज चलता है। तो ऐसे चंद्रमा सूर्य तो असंख्याता हो जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से दो ही लिए जाते हैं, चंद्र और सूर्य। और विमानिकों में 10 इंद्र लिए जाते हैं, 100 धर्मेंद्र से लेकर अच्युत इंद्र तक। पहले 8 देवलोकों का एक एक इंद्र है, 9वें 10वें का एक इंद्र है, 11वें 12वें का एक इंद्र है, 12वें तक राज्य राजा प्रजा का व्यवहार है, और उससे आगे ना राजा है ना राजा प्रजा का व्यवहार नहीं, वो सारे के सारे क्या है, अहम इंद्र। क्योंकि जहां विकृतियां होती हैं वहां अनुशासन की जरूरत पड़ती है, जहां विकार नहीं वहां पर अनुशासन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को कहना नहीं पड़ता तुमने जय नहीं करना, वो स्वयं जानते। 12वें देवलोक से 13वें से लेकर 26वें तक सारे क्या है, अहम इंद्र। तो अभी तो पहला नंबर आएगा तो सामान्य बताया है, 4 प्रकार के देव देवियां, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। अब इनके निर्णय में भेद हो जाते हैं, आगे कैसे याद करने हैं, करोगे तो हो जाएंगे, नहीं करोगे तो एक भी नहीं होगा। दुनिया में कितनी मेहनत करते हैं, कितना माथा पच्ची करते हैं, लेकिन वहां तो कर्मों का बंध ही होता है, जो ज्ञेय विषय है। इनको जानने से क्या होता है, आत्मा को, कितने आत्मार्थी जीवों को धर्म करने की प्रेरणा मिलती। भगवान कहते हैं देवों के पास रिद्धि बहुत है, तुम्हारे तो मकान क्या है, ईंटों के हैं, मिट्टी के हैं, सीमेंट के हैं, उनके सोने की ईंटों के हैं। कौन सी ईंटों के हैं, सोने की ईंट। आपके तो जहां पर मार्बल है, चिप्से लगाई होती है, वहां पर रत्न होते हैं, रत्न भाई, और बढ़िया से बढ़िया, मतलब वहां पुण्यवानी बहुत है, लेकिन कहां रिद्धि बहुत है। कहते एक जूते की इतनी कीमत, तुम जो वर्तमान में सुन रहे हो ना, सारी दुनिया को खरीद लो, इतना कुछ है। लेकिन भगवान ने आखिर में कह दिया शांति नहीं है। क्या नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं शांति, कहते इतना कुछ है तो फिर शांति क्यों नहीं। कहते जहीं देख लो, यदि पैसा शांति का कारण हो तो जितने बड़े बड़े परिवार हैं उनके अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन सबके खर्चे बंधे हुए हैं और एक को एक महीना पहले एक महीना काम कर दो तो उसकी क्या दशा होगी। जे नहीं सोचेगा, अरे हर महीने मेरे को मिलता ही था, एक महीना नहीं मिला, कम मिला तो कौन सा पहाड़ हो गया, पहाड़ गिर गया है, संतोष रख ले। लेकिन वो शांति, क्योंकि इच्छाएं बढ़ा ली हैं, इच्छाएं बढ़ गई हैं, आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, अब जो मिलता है वो थोड़ा लगता है, जे लगता है और दिया जाए तो मिलता नहीं है, इसलिए मजबूरी से वो गुजारा करते हैं, लेकिन इच्छाएं तो बढ़ती जा रही हैं। भगवान कहते हैं सुखी होना है तो इच्छाओं को कम करो, यदि इच्छाओं को बढ़ाते जाओगे, कहते इच्छाएं तो तुम्हारी तो क्या राजे महाराजाओं की भी पूर्ण नहीं होती है, लेकिन जीवन चलाना चाहो तो एक साधारण व्यक्ति भी बड़े आराम से जीवन जी लेता। रिद्धि बहुत है पहली बात, दूसरी बात शांति नहीं, तीसरी बात पुण्य घटता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। उनका क्या हो रहा है, पुण्य घटता जा रहा है और पाप बढ़ता जा रहा है,
जैसे पाप का बोझ बढ़ता है तो शांति भी घटती जा रही, और फिर उसके बाद अनित्यता, जो स्थायी तो जरूर है लेकिन शाश्वत नहीं है, लंबा समय तक चलते हैं लेकिन जब मिलते तो बड़े खुश होते हैं, और जब जब छोड़ना पड़ता है, आप सोचो वाला किसी को देवता के दर्शन हो जाए कितना खुश होता है, होता नहीं होगा। अच्छा मानो जो देवता बन जाए तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा, लेकिन जब देवता की रिद्धि मिली है तो इतनी खुशी है, लेकिन जिस दिन जे पता चल जाता है अरे मेरे मरने के 6 महीने रह गए हैं, फिर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता, अरे अब मेरा क्या होगा, जे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और जितने जो बड़े प्यार करते हैं कहते अब इसमें से सब कुछ सार निकल गया है, अब कोई और ढूंढो सहारा। अब लोगों को कहता भाई जे कर दो कोई उसकी बात सुनता ही नहीं है, देखना तो दूर की बात। अब कितनी निराशा, कहते हैं मेरी क्या दशा हो गई। अब जिस समय ना बाबे के पास पैसे होते हैं तो पोते आगे पीछे घूमते हैं, जब पोतों को पता चल जाए बाबे के पास कुछ भी नहीं है, केवल प्यार की थपकी है, कहते और कुछ भी नहीं है। अब वो बाबा पोते को बुलाता है लेकिन पोते उसके पास भी फड़कते नहीं है, ऐसे वहां पर स्थिति को नई बात थोड़ी है, जो अनादि काल से चला आया है। तो आप भी देखो वृक्ष के पास कब जाते हैं, जब तक फल है जब तक छाया है तो आप वहां पर जाओगे, और जब आपकी जरूरत वहां पर पूरी नहीं होगी तो क्या फिर भी जाओगे। जिस समय आमों का सीजन होता है तो जहां आम लगते हैं लोग कैसे आते हैं, आराम भी करते हैं फल भी खाते हैं, लेकिन जब आमों का सीजन फलों का सीजन समाप्त हो जाता है फिर उस और कोई देखता भी नहीं। हाँ गर्मी के कारण से छाया वाले स्थान को देख के तो आ जाए, नहीं तो कोई भी नहीं आता। कहा केवल जही की बात नहीं है, सारे लोग की जही क्या है ज्यादा करके व्यवस्था है। तो इसलिए कहते समझो संभलो, कहते सच्ची शांति कर्मों को क्षय करने में है, जे भौतिक रिद्धि पाने में नहीं। इसलिए भगवान ने कहा तुम जप करो, तुम तपस्या करो, नियम व्रत पालो, स्वाध्याय करो, साधना करो, जो भी करो उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, कर्म निर्जरा होनी चाहिए, आत्म शुद्धि होनी चाहिए। जितनी आपकी आत्मा की शुद्धि होगी, आपके पास चाहे कुछ भी नहीं हो आपको इतना आनंद होगा, जिस आनंद के आगे चक्रवर्ती सम्राट का आनंद भी फिक्का पड़ जाएगा, देवलोकों के इंद्र महाराज का आनंद भी क्या पड़ जाएगा, फिक्का पड़ जाएगा। कब? जब आपकी आत्मा की शुद्धि होगी। कितनी बार आप लोग सुनते हैं नहीं सुही देवता देवलोय, नहीं सुही पुड भी भई राया, नहीं सुही सेठ सीणा भई एगंत सुही साहू मुनि राय। कहते देवलोकों के देवता भी सुखी नहीं है, राजे भी सुखी नहीं है, सेठ सेनापति भी सुखी नहीं, कौन सुखी है, साधु। कितने लोग कहते हैं महाराज कई तो साधु ऐसे देखो हमारे से भी ज्यादा दुखी है, बोल देते तो किसी की जवान थोड़ा पकड़ सकता है, हमारे से भी ज्यादा दुखी है। कहा दुखी कौन है, जिसके जीवन में साधना नहीं आई, जिसके जीवन में साधुता नहीं आई बहुत दुखी है। सच्चे अर्थ में जब साधुता आ जाती है उस समय सारी आशाएं अंदर से निकल जाती, किसी से कुछ नहीं चाहिए, जब चाहिए नहीं तो नहीं मानता, ना माने अपना क्या जाता है। अब कहा जिस समय वो साधुता जिसके अंदर वीतरागता की आराधना की जाती है, वीतरागता का मतलब कषायों को खत्म करना, वासनाओं को खत्म करना, क्योंकि अशांति का कारण क्या है, जे कषाय है जे वासना है जे ईर्ष्या है जे विकार है, इनको छोड़ना। आप जितना छोड़ते जाएंगे उतना क्या होगा, उसका समाधि भाव बढ़ता जाएगा। भगवान कहते हैं जे आपकी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकते, कौन, देवलोकों की रिद्धि, इस माया जाल में ना पड़ना, क्या करना, आत्मा के लिए धर्म ध्यान करना, समायिक संवर करना। तो भगवान ने देवी देवताओं का वर्णन किया, तो आगे क्या आता है कल जैसे समय होगा सुनाने का।